देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन होना है। सितंबर का यह महीना भारत के सामर्थ्य का गवाह बनने वाला है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 का शिखर सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन के लिए देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली भी तैयार है। शिखर सम्मेलन के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली के सौंदर्यीकरण का खासा ख्याल रखा जा रहा है। सौंदर्यीकरण के इस क्रम में दिल्ली में लगाए गए फाउंटेन के आकार को लेकर घमासान शुरू हो गया है। ये फाउंटेन देखने में शिवलिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं। इनके लगाए जाने के बाद अब देश में सियासत तेज हो गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि ये केंद्र सरकार द्वारा लगवाया गया है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि ये दिल्ली सरकार ने लगवाया है। सुनिए इस पर नेताओं ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं से कहे कि उनके बार बार बयानों से भारत देश के G20 की जो पूरी मेज़बानी है उसमें खटास आ रही है। इतना बड़ा कार्यक्रम है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार मिलके काम कर रही है, पूरी दिल्ली को सुंदर दुल्हन की तरह सजाया गया, राजमार्ग सुंदर हैं, जगह जगह अच्छे काम हो रहे हैं। पहले ये कहा कि साहब पैसा जो है केंद्र ने दिया, फिर ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही थी, केंद्र ने दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कल से ट्वीट कर रहे हैं कि शिवलिंग का अपमान हो गया। गलत भी है, आपने भगवान शिव की आराधना करने वाले शिवलिंग को फुवारों की तरह सड़क पर खड़ा कर दिया, तो बहुत गलत काम किया। अब कह रहे हैं कि साहब ये काम दिल्ली सरकार ने कर दिया। अरे कल तक तो आप कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, सब केंद्र ने किया। आज आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार ने कर दिया। किसने भी किया हो, पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है, FIR क्यों नहीं दर्ज करा देते? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए अब तक दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज की? FIR दर्ज होगी, पता चल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट का काम है, कौन उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, कौन उसके इनॉग्रेशन के अंदर गया था, LG गए थे या नहीं गए थे, तो सब सामने आ जाएगा। मैं फिर ये कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े उत्सव में छोटे छोटे प्रवक्ताओं द्वारा जो ये बयानबाजी करा रही है, इससे इस उत्सव की महानता कम हो रही है। मैं केंद्र सरकार से कहूँगा कि आप अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को संभालिए। जो भी परिस्थिति हो, G20 का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और केंद्र सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, और ये आस्था वाले जो घड़ी घड़ी कहते रहते हैं कि आस्था पर चोट, आस्था पर चोट, वो लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह से धर्म का प्रदर्शन हो रहा है, शिव जी का अपमान हो रहा है, और कोई मेल जोल नहीं है कार्यक्रम से। और जिस तरह से चौराहे पर मूर्तियों का श्रृंखला लगा दी गई है, तो अब वो लोग कहाँ हैं? और वो तलवार, डंडा, लाठी, झंडा और बंदूक लेकर के क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? तो क्या मुस्लिम एरिया में ही धर्म का खतरा रहता है कि जहाँ मुस्लिम एरिया हो, जहाँ जहाँ गिरपुरी हो या तो ये नू हो, वहाँ पर तो धर्म, हिंदू धर्म खतरे में रहता होता है? और अब यहाँ नहीं हो रहा कि धौला कुआं के ऊपर या वो जो फ्लाईओवर ब्रिज है, जिस तरह से श्रृंखला में शिव जी का लिंग स्थापित किए गए हैं, वो क्या दिखता है? इससे भी भाई कोई बड़ा धार्मिक आस्था पर चोट हो सकता है, तो वो गायब हो गए हैं इस समय। वो